आगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के साथ हम जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य सुविधाओं में एक ऐसी उपलब्धि जोड़ रहे हैं जिससे पूरी यूटी का गौरव बढ़ा है। 67 साल की आजादी के बाद कुल 3 मेडिकल कॉलेज थे, यहाँ दो श्रीनगर में, एक जम्मू में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 नए मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, 2 और उधमपुर और हंदवाड़ा फंक्शनल होने जा रहे हैं, 2 एम्स, 2-2 कैंसर इंस्टीट्यूट। मैं कह सकता हूं कि देश में शायद मेरी जानकारी में नहीं, आपकी जानकारी में हो तो बताइए, इतनी कम आबादी पर इतने मेडिकल कॉलेज और इतने सुविधाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं नहीं। 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर के हर गरीब को और हर अमीर को दिया गया है। अकेला राज्य है, अकेला यूपी है जो देश में सबको ये सुविधा दे रहा। मैं जब आया था मुझे याद है एम्बुलेंस के लिए बड़ी दिक्कत थी लोगों को। आज कहीं किसी सुदूर अंचल में, फार फ्लंग एरिया में आधे घंटे में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ऐसी सेवा जम्मू कश्मीर में हम सबने प्रारंभ कर दिया और वो 24 घंटे उपलब्ध है। तो हेल्थ पर, आम आदमी की सेहत पर, आम आदमी की कितनी चिंता है जम्मू कश्मीर प्रशासन को, मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि आपको समझ में आ सके कि जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर कितना गंभीर है आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर के।